बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन ट्यूमर की पहचान और अलामात। ब्रेन ट्यूमर की वजूहात जिनसे बचाव लाजमी है। ब्रेन ट्यूमर की अलामात। ब्रेन ट्यूमर दिमाग में या उसके करीब जमा होने वाले मादे या एबनॉर्मल सेल्स की अफजाइश की वजह से वजूद में आता है। दिमाग का कोई भी सेल रसौली या ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसलिए मर्ज की नौयत का ज़्यादातर दारोमदार ट्यूमर के साइज, जगह और किस्म पर होता है। अगर ट्यूमर दिमाग के ऐसे हिस्से में है जो इंसान की नज़र को कंट्रोल करता है, तो उसकी एक मुमकिना अलामत आँखों से धुंधला नज़र आना हो सकता है। लेकिन क्योंकि ट्यूमर दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। दौरे पड़ना। इसकी पहली अलामत दौरे की शक्ल में ज़ाहर होती है। इन दौरों का ट्यूमर की किस्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्यूमर दिमाग में सोजश का बायस बनता है और दिमाग को न्यूरॉन्स तबाह करने पर आमादा करता है। इस तरह जिस्म में एबनॉर्मल हरकत होने लगती हैं जो दौरे का बायस बनती हैं। सर में मुस्तकिल दर्द रहना। सिर्फ सर में दर्द होना ही ब्रेन ट्यूमर की पहली अलामत नहीं होता, बल्कि अगर आपके सर में मुस्तकिल दर्द है जो किसी तरह भी ख़त्म ना हो तो मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की वजह से होने वाला दर्द ऐसा ही होता है जो वक़्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता जाता है। कोई भी ख़ास तरह के दर्द ट्यूमर की वजह नहीं है। अंधापन या बहरापन का शिकार हो जाना। ब्रेन ट्यूमर की वजह से आंखों के सामने धुंधलापन या नज़र की कमज़ोरी भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि जल्दी जल्दी आंखों का मुआयना कराया जाए ताकि इन अलामात में इजाफे का पता चल सके। इसी तरह कान बचते हों। तबीयत में तब्दीली। ब्रेन ट्यूमर की वजह से दिमाग के फ्रंटल लोब, जो इंसान की शख्सियत के अंदाज का जिम्मेदार होता है, उस पर दबाव पड़ता है या सोजश होती है। उस वजह से तबीयत में तब्दीली पैदा होती है और मरीज डिप्रेशन, गुस्से और हैजानी कैफियत का शिकार हो जाता है। इससे जहन परेशान रहता है या उसे हर वक्त बात याद नहीं रहती।